यही है वो जिसने हमारे घर की बेटी, हमारी पोती, हमारी पारो को किडनैप किया है। क्या दी ने पारो का किडनैप? आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? यही तो, ये चीज हम सोच भी नहीं सकते थे और इस लड़की ने ये कर भी दिया। मामी मामी मामी, ये आप मतलब वो माँ है पारो की, लक्ष्मी अभी ऐसा कर ही नहीं सकती, उनकी सोच है ही नहीं ऐसी। करना छोड़ो, वो सोच भी नहीं सकती ऐसा कुछ करने की। मामी आयुष, लक्ष्मी ऐसा नहीं कर सकती है तो क्या ऋषि ऐसा कर सकता है? अगर लक्ष्मी पारो की माँ है तो ऋषि भी उसका पिता है और वो ऋषि पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। झूठ, सब कुछ झूठ है। अपना गुना छुपाने के लिए ये इस तरह से चिल्ला रही है, पूरा तमाशा कर रही है। इसी ने किया है किडनैप। नहीं मामी, झूठ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि ऑब्वियसली ऋषि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं और ऑब्वियसली भाभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। अपनी अपनी बेटी को कौन किडनैप करता है? मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल है भाई। और ऐसा ही हुआ है। हाँ ऐसा ही हुआ है और तुम अच्छे से जानते हो कि किसने किया। जानता हूँ पर विश्वास नहीं कर पा। लेकिन मुझे विश्वास हो रहा है, अच्छी तरह विश्वास हो रहा है। अब चुपचाप मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। बताओ कहाँ है पारो? लक्ष्मी नहीं और कुछ भी नहीं, बस ये बताओ कि पारो कहाँ है। बस करो, तुम ना मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो। अपना ये नाटक बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं नाटक कर रही हूँ? तुम अच्छे से जानते हो ऋषि की नाटक कौन कर रहा है। तुम अच्छे से जानते हो कि विश्वासघात कौन कर रहा है। लेकिन मुझे ना इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है और यहाँ किसी से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। मेरी बेटी वापस दो, मैं अभी क्या यहाँ से चली जाऊंगी। एहसास है, एहसास हो रहा है कि क्या बोले जा रही हूँ, क्या करती जा रही हूँ। एहसास है तुम्हें? एहसास है। हाँ है एहसास मुझे, लेकिन मैं खामोश बैठा हूँ क्योंकि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा मैं? गलत सोच रही हो तुम। गलत सोच रही थी मैं, गलत सोच रही थी जो तुम्हारे बारे में सही सोचने लगी थी, पर अब नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? और तुम जो बोलोगे, जो करोगे, जो मन में आएगा करोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? नहीं ऋषि, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब मैं करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। गलत मैं कर रहा हूँ? गलत मैं नहीं कर रहा लक्ष्मी, गलत तुम कर रही हो। गलत समझती आई और अभी भी गलत ही समझ रही हो। सर आप कह रहे थे ना कि इस घर से कोई है जो पारो की किडनैपिंग में मिला हुआ है। लक्ष्मी आप कह रहे थे ना कि इस घर से कोई है जो पारो की किडनैपिंग में मिला हुआ है। हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, इस घर में से कोई है जो पारो की किडनैपिंग में मिला हुआ है। अरे मिला हुआ क्या है, वही गुनहगार है, वही दोषी है और वो यही है। हाँ वो यही है और वो ये है। से कह सकती हो तुम्हें? और तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? एक्चुअली तुम कर सकते हो क्योंकि तुम यही करते आए हो, हमेशा से यही करते आए हो तुम। मेरी गलती थी जो मुझे लग रहा था कि तुम बदल गए हो, मुझे लग रहा था कि तुम पहले से अच्छे इंसान हो गए हो, जो मैं ये सोचने लगी थी कि तुम अच्छे हो गए हो। दिमाग से नहीं दिल से सोच रही थी मैं, मेरी ही गलती थी। मारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है ही नहीं लक्ष्मी, गलती मेरी है जो मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम एक अच्छी माँ हो। इस दुनिया के हर एक बच्चे को तुम्हारी जैसी माँ मिलनी चाहिए। मैंने विश्वास किया था तुम पे, मैंने विश्वास किया था कि तुम्हारी जैसी इस दुनिया में दूसरी माँ हो ही नहीं सकती, लेकिन गलत था क्योंकि सच ये है कि तुम एक अच्छी माँ हो ही नहीं। बस!
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे हिम्मत हुई मेरे बारे में ये बोलने की? तुम मुझे कहते कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूं, मैं मान जाती। मुझे कहते कि मैं एक अच्छी बहन नहीं हूं, मैं मान जाती। मुझे कहते कि मैं एक अच्छी बहू नहीं हूं, मैं मान लेती। लेकिन मेरी ममता पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे हिम्मत हुई ये बोलने की कि मैं अच्छी मां नहीं हूं? इसी के लिए जिंदा हूं मैं। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा अस्तित्व है। मेरी दुनिया में मेरे बच्चों से बढ़कर और कोई मायने नहीं रखता। कैसे सवाल उठाया तुमने मेरी ममता पे? और तुम उस चीज पे सवाल उठा रहे हो? हाँ उठा रहा हूँ सवाल, उठा रहा हूँ क्योंकि तुमने काम ही वैसा किया, अपनी ही बेटी को किडनैप करवा दिया। कैसी माँ हो तुम? अपनी ही बेटी को कोई किडनैप कैसे करवा सकता है? बस मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और कुछ तो गैरत रखो तुम, खुद इतना बड़ा गुनाह करके तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मुझ पर? मैंने नहीं किया, ये तुमने किया है। तुमने बारों को किडनैप करवाया, तुमने। सच में क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम, बहुत कमाल की एक्टिंग करती हो। इतना सब कर चुकी हो और अब भोली बन रही हो, इतना कुछ बोलने के बाद अब भोली बन रही हो तुम। प्यार, ममता, परवा, इन सब चीजों के बारे में बात कर रही हो। सच में क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। पहले सारी गलतियां खुद कर लो, उसका इल्जाम फिर दूसरों पर डाल दो। वेरी गुड, तुम कर कैसे लेती हो ये सारी चीजें, वो भी इतने विश्वास के साथ, जबकि सच ये है कि सारी गलती तुम्हारी है। मेरी गलती है? हाँ तुम्हारी गलती है। तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है लक्ष्मी, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अपना ये नाटक ना बंद कर दो। सच मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ तुम नाटक कर रही हो, लेकिन अब उस नाटक का कोई फायदा नहीं है। ऐसे एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, सच तो बताना पड़ेगा लक्ष्मी, इसलिए अब हम सिर्फ सच की बात करेंगे। मैं सच ही बोल रही हूँ। रियली? रियली। ये तुम्हारा फोन है? ये क्या? ये क्या? ये ऋषि, क्या क्या है इसमें? बताओ ना ऋषि क्या है? ये फोन लक्ष्मी का है और इसमें एक इस वक्त मैसेज आया हुआ है जो किडनैपर ने लक्ष्मी को किया। व्हाट? किडनैपर का मैसेज लक्ष्मी को? जी मॉम, और ये मैसेज साबित कर देगा कि पारो को किडनैप और किसी ने नहीं बल्कि लक्ष्मी ने करवाया है।